दोस्तों यदि कलाई पे आप नोटिस कर दें कि आपकी कलाई पे एक उभार सा बन गया है, एक मैं कहूँगा एक लंप जैसा, एक गांठ जैसी बन गई है जो कि आपके उभर कर कलाई पर या तो ऊपर की तरफ बन रही है या वो आपके कलाई के नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे इस लोकेशन पर अगर बन रही है, अगर इस तरह की कुछ गांठ बन गई है तो यह गांठ हो सकता है दोस्तों आपकी गैंग्लियन सिस्ट हो। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है, ये क्यों बन जाती है और गैंग्लियन सिस्ट और कहाँ कहाँ पर बन सकती है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका क्या होम्योपैथी में बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आपको सर्जरी नहीं करानी पड़े। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर गैंग्लियन सिस्ट जो होती है वो आखिर होती क्या है। दोस्तों गैंग्लियन सिस्ट होती है आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में जब आप कभी भी आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो स्पेशली जो इसकी सबसे कॉमन जो साइट होती है वो होती है आपकी कलाई या आपकी जो रिस्ट होती है, उस रिस्ट में आपको यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ या तो यहाँ पर आपको कुछ उभार से बन जाएंगे, एक आपको गांठ जैसी बनेगी जो कि थोड़ी सी ना तो वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना ज़्यादा वो हार्ड होती है, या तो ये ऊपर की तरफ बन सकती है या आपको यहाँ पे साइड में बन सकती है या यहाँ सामने की तरफ बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके जॉइंट्स में दूसरे जॉइंट्स जो होते हैं, जैसे आपकी हाथों की उंगलियाँ जो होती है, उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर भी आपको ये बन सकती है, वहाँ पर भी आपको ये घटान सा जैसे एक उभार सा आ सकता है। दोस्तों यूजुअली देखने पे आपको इस जो ये जो गैंग्लियन सिस्ट होती है उसमें कोई तरह की आपको तकलीफ नहीं होती है, कोई तरह का आपको इसमें दर्द नहीं होता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपकी जो गैंग्लियन सिस्ट है वो अगर आपके पैरों में बन जाती है, यानी आपको घुटने के आसपास बन गई है या आपके जो एंकल, इसकी एक जो दूसरी जो कॉमन साइट होती है वो होती है एंकल या जिसको बोलते हैं टखना, अगर वहाँ पे बन गई है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा चलने फिरने में अगर ये बड़ी हो जाती है तो आपको दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम नहीं करती है। दोस्तों यूजुअली जो गैंग्लियन सिस्ट होती है इसको जो सिस्ट का जो आकार होता है वो आकार इसका 2.5 सेंटीमीटर तक का इसका एक आकार होता है, ये छोटे से मटर के दाने से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, बट कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि और भी ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो सकती है और ये 5 सेंटीमीटर तक की भी पाई जा सकती है। दोस्तों जो गैंग्लियन सिस्ट होती है वह महिलाओं में ज़्यादा होने के इसमें चांसेज रहते हैं और इसकी जो एज होती है 15 साल से लेकर जो 40 साल की जो एज होती है इस एज में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों गैंग्लियन सिस्ट होती है इसको बाइबल सिस्ट भी कहा जाता है या इसको साइनोवियल सिस्ट भी कहते हैं। दोस्तों गैंग्लियन सिस्ट जो होती है वो नॉन कैंसरस गांठ होती है, इसमें आपको जीवन को आपको कोई खतरा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों यह तो बात होगी कि गैंग्लियन सिस्ट आखिर क्या है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपको गैंग्लियन सिस्ट होगी तो इसके क्या सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों सिंपल है बिल्कुल भी, आपको जैसे मैंने आपको बताया आपके अगर आपके जॉइंट्स पे स्पेशली अगर आपको एक कॉमन साइड जैसे मैंने बताया आपको कलाई पे अगर कोई गांठ बन गई है, कोई उभार बन गया है तो यह इंडिकेट करता है कि आपको गैंग्लियन सिस्ट है। और दोस्तों इसमें कोई तरह का कोई सिम्टम पर्टिकुलर नहीं मिलते हैं, इसमें कोई तरह का दर्द नहीं होगा आपको। दोस्तों एक कंडीशन होती है जब आपको दर्द हो सकता है कि आपको जब कभी भी आपकी जो गैंग्लियन सिस्ट होती है, जो सिस्ट जब बड़ी ज़्यादा हो जाती है और यह जब उसके आसपास की जब नर्व होती है, जो उस नर्व को जब ये कंप्रेस करना शुरू हो जाती है तब वहाँ पर आपको दर्द का आभास हो सकता है वहाँ पर आपको नमनेस हो, आपको झंझनाहट हो, आपको इस ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में अगर ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हो सकता है आपको थोड़ा मूवमेंट करने में, आपको हाथ को मूवमेंट करने में आपको परेशानी हो, हल्का फुल्का आपको दर्द हो सकता है, या आपको अगर पैर में है तो चलने फिरने में आपको अगर परेशानी हो सकती है अगर वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो, अदरवाइज दोस्तों इसमें कोई तरह के आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों कि गैंग्लियन सिस्ट जो होती है वो सिस्ट अपने आप ही वो वापस गायब भी हो जाती है, इसमें किसी तरह की ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर गैंग्लियन सिस्ट अगर बन गई तो इसके कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से गैंग्लियन सिस्ट डेवलप हो जाती है। दोस्तों अक्सर जैसे मैंने बताया ये जॉइंट्स पे पाई जाती है और जॉइंट्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि आपके बोन्स होती है, इसके अलावा मसल्स होती है और मसल्स का जो टेंडेंस होते हैं वो टेंडेंस पाए जाते हैं। दोस्तों टेंडेंस जो होता है टेंडेंस मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इस तरह के जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपको जो टेंडेंस होते हैं टेंडेंस भी जो होते हैं वो एक तरह की टेंडेंस शीथ से कवर होते हैं और इस शीथ के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है शीट के नीचे की तरफ, और उसके साथ साथ जो जॉइंट्स होते हैं जॉइंट्स में भी एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड और यह एक मेम्ब्रेन से ढका होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। दोस्तों जब कभी भी आप कोई वजन का काम करते हैं या कभी आपने मान लीजिए आप स्पोर्ट्स पर्सन जिमनास्टिक कर रहे हैं, आप कोई भी इस तरह का वजन उठाया या स्पोर्ट्स एक्टिविटी की या आपको स्ट्रेस पड़ा आपके जॉइंट्स पर कभी भी उस तरह के जब स्ट्रेस पड़ता है तो स्ट्रेस के कारण आपके जॉइंट्स में जब स्ट्रेस पड़ेगा तो वहाँ पर आपका जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन में चाहे वो टेंडन की मेम्ब्रेन हो जिसको भी बोलते हैं टेंडन सीथ या आपके जॉइंट्स की मेम्ब्रेन हो जिसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में थोड़ा सा वहाँ पर एक हर्निएशन हो जाता है, वो जहाँ पर भी वो जो सीथ होती है वो सीथ में या मेम्ब्रेन में जब वो हर्निएशन हो जाएगा तो वो उभर कर उसका जो फ्लूड होता है वो फ्लूड के साथ में उभर कर आपके जॉइंट से बाहर निकल आती है, और वो जब वो बाहर निकल आती है तो उस कंडीशन में गैंग्लियन सिस्ट डेवलप हो जाती है। दोस्तों यह इसका एक कारण होता है। दोस्तों इसके अलावा एक जो बड़ा कारण होता है वो होता है
इंजरी, अगर आपके जॉइंट्स में रिपीटेडली इंजरी होती है तो वहाँ पे आपके जो जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी वजह से भी वो कमज़ोर होने की वजह से जो फ्लूड होता है वो फ्लूड इसमें प्रेशर करता है और उसके कारण वो हर्निएशन होने की वजह से वहाँ पर एक गैंग्लियन सिस्ट बन जाती है। दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने बताया वजन उठाने का अगर आपका काम रहता है, आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको गैंग्लियन सिस्ट डेवलप हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों अगर आपको गैंग्लियन सिस्ट हो जाती है और अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो एलोपैथी में यूजुअली इसके लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा इसमें देखने को मिलता है कि इसमें जब आप सर्जरी करा भी लेते हैं तो वापस बनने के इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें, हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े और बिना सर्जरी के भी आप अपनी गैंग्लियन सिस्ट जो बन गई है उसको आप ठीक कर सकें, क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके द्वारा बिना सर्जरी के भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ मैं आपको मुख्य मुख्य मेडिसिन है जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा जिसके कि गैंग्लियन सिस्ट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन है जिससे कि आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है वो है थुजाइम। जहाँ कहीं भी ओवरग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पर थुजा बहुत अच्छा काम करती है, और थुजा को इसमें 1 mg पोटेशियम में लिया जाता है। 1 mg आपको वीक में केवल एक डोज देना होता है, यानी 3 मुंह डायरेक्ट टंग पर लें आप थुजा 1 mg की। मान लीजिए आपने संडे को एक डे फिक्स कर लिया तो संडे को आप डायरेक्ट टंग पर आपको 3 बूंद लें, उसके बाद वापस आपको नेक्स्ट संडे को आपको मॉर्निंग में रिपीट करना होता है। इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिसिन है जो कि मैं कहूँगा इसकी स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो 2 मेडिसिन है दोस्तों, वो है एक बेंजोइक एसिड 30। बेंजोइक एसिड 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। एक और जो मेडिसिन है दोस्तों जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो है रूटा 30। रूटा 30 भी मैं कहूँगा दोस्तों इसकी एक खास दवा है, इसकी स्पेसिफिक दवा है। रूटा 30 को भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों इसके साथ साथ एक और जो मेडिसिन है जो कि आपको सिस्ट में दी जाती है जिसका कि नाम है कैल्केरिया फ्लोर 6x। दोस्तों कैल्केरिया फ्लोर 6x भी जहाँ कहीं भी आपको सिस्ट बन जाती है, कुछ गठान सी बढ़ जाती है, वहाँ पर कैल्केरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। कैल्केरिया फ्लोर को भी लेने का तरीका होता है 4-4 गोली दिन में 3 बार, डायरेक्ट टंग पर आपको इसमें चूसनी होती है। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य मुख्य मेडिसिन है जो कि आपको लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा लोकेशन के अनुसार और आपके सिम्टम के आधार पर कुछ और भी मेडिसिन है जो कि दी जाती है तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। या जो भी मेडिसिन बताई जाती है या जो भी जानकारी दी जाती है आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं होती है। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है गैंग्लियन सिस्ट के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।